अस्सलाम वालेकुम एंड क्लास मुताला पाकिस्तान का लेक्चर है आज आपका इस वीक का दूसरा लेक्चर चैप्टर आपका पाकिस्तान की नज़रियाती असास। आज इस चैप्टर का इख्तिताम है, आखिरी इसका लेक्चर है जिसमें आपको इसके मशकी सवालात कराऊंगी मैं आज। सबसे पहले इसमें आगे आपके एमसीक्यूज जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार जवाब दिए गए, दुरुस्त जवाब पर कौन सा निशान लगाना है, टिक का निशान लगाना है, क्रॉस का नहीं लगाना। कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा कब से कब तक, 1933 से 35, 1941 से 43, 1939 से 41 या 1937 से 39, 1937 से 1939 तक का, 1939 तक का टाइम रहा। उसके बाद एक क़रारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत किसने दिया। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं आपके पास, ये जो ऑप्शंस होती हैं इनको भी आप ब्लैंक की शक्ल में याद किया करें। जैसे यहाँ पे है क़रारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, इस तरह याद किया करें। एम ए स्कूल और कॉलेज कायम किया किसने, सर सैयद अहमद ख़ान ने। उसके बाद है 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, जिस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़ ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमी हैं, कौमियाँ यानी दो कौमी नज़रिया पेश कर दिया। फिर यह नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, इस्लामी नज़रिया हयात। 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर देने वाली शख्सियत अलामा मोहम्मद इकबाल। फिर है क्या मैं पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच क्या थी, ये थी कि वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। आगे आपकी खाली जगह है, ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आती है। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की आवाम पर भारी टैक्स लगाए। अलामा इकबाल बरेसगीर के उन मुसलमान रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरेसगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। ठीक है जी, ये आपके ब्लैंक्स हो गए। आखिरी जो है आपका कॉलम है, कॉलम मैचिंग है। 1206 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। गजनवी दौरे हुकूमत 1003 से लेकर 1206 तक, तकरीबन 200 साल। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में कहाँ शुरू हुआ, बनारस के शहर से शुरू हुआ। चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में एक किताबचा नाउ और नेवर शाया किया। 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने क्या किया, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सारे आपके एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, मैचिंग, इनको ज़रा ध्यान से पढ़ा करें और ये आपको इजीली तब याद होते हैं जब आपने चैप्टर की रीडिंग अच्छे तरीके से की हो। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी चैप्टर को याद करने के लिए, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाने के लिए उसकी रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके मुकम्मल हो गए, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कर दिए। लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किया करें। आपको पहले भी मैंने कहा था कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस मैं भी बना के दूंगी और बोर्ड में भी उन्हीं में से बन के आते हैं, इसलिए रीडिंग ज़रा अच्छे तरीके से कर लिया करें। ठीक है जी, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम अपना अगला चैप्टर तरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम शुरू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम।